सदर थाना क्षेत्र के रामपुरा मेवातियान गांव में एक 65 वर्षीय वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया है। वृद्धा की हालत का प्रारंभिक कारण घर में लूट करना सामने आया है। घर में घुसे अज्ञात लुटेरों ने घर में रहने वाली एकांकी महिला की गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान लुटेरों ने घर के कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखा सामान चुरा ले गए। वृद्धा के दो पुत्र हैं, दो जो इंदौर में रहते हैं। दोनों पुत्रों के ब्यावर आने के बाद ही लूट में हुई गई राशि तथा जेवरातों के बारे में जानकारी मिलेगी। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के रामपुरा मेवातियान गांव में 65 वर्षीय बलमा पत्नी रामचंद्र जाट अपने घर पर अकेली ही रहती है। वृद्धा के दो पुत्र है जो इंदौर में रहते हैं। वृद्धा के घर पर मकान की मरम्मत का कार्य चल रहा है। मरम्मत के काम पर लगे गाँव के ही विनोद तथा उसकी पत्नी शोभा रविवार सुबह जब काम करने पहुंचे तो देखा कि बलमा देवी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। इस पर दोनों उसे घर की छत पर बने कमरे में देखने गए तो वहां पर बलमा के हाथ पांव बंधे हुए हैं और वह फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इस पर विनोद तथा शोभा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। बलमा के घर पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसके कमरे में रखी अलमारी का भी ताला टूटा हुआ है और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी। जानकारी के बाद डिप्टी मसूदा ईश्वर सिंह, ब्यावर एसपी मनीष चौधरी तथा सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे था मौका मुआयना किया। मामला हत्या के साथ साथ लूट का होने के कारण पुलिस ने अजमेर से एफएसएल टीम तथा डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। अजमेर से मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य उठाए। इसके बाद थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने वृद्धा के दोनों पुत्रों को सूचित किया। वृद्धा के दोनों पुत्रों के ब्यावर पहुंचने के बाद हुई लूट में की गई राशि तथा जेवरातों के बारे में पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। शव का पोस्टमार्टम भी दोनों पुत्रों के ब्यावर पहुंचने के बाद ही करवाया जाएगा। मसूदा डिप्टी ईश्वर यादव ने बताया कि वृद्धा की हत्या लूट की नीयत से ही की गई है। लुटेरों ने वृद्धा के हाथ पांव बांधने के बाद गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि मौके तथा आसपास के क्षेत्र से एफएसएल की टीम ने साक्ष्य लिए हैं। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। बलवा नाम की डोकरी है जाटों के, जो अकेली घर पे रहती है। आसपास में सुनने घर है। इनके दो बेटे हैं जो इंदौर में काम करते हैं। डोकरी अकेली थी घर पे। रात्रि में कोई डोकरी के साथ में मारपीट की, चोटें तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है गला घोंट के इनके साथ इनकी मृत्यु की गई है और हाथ पैर बांधे हुए इनके। प्रथम दृष्टया मामला ये लग रहा है कि कोई लूटपाट के लिए इनकी हत्या की गई है। हमने यहाँ मौके पर फसल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया और MOB टीम आई। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इसका अभियुक्तों का पता लगाएंगे।